नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौधरी इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में आई हुई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। यहां अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है और जो मेरे साथी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी है पूरी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग यानी MPPGCL। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें अप्रेंटिसशिप है, एक साल का कोर्स है ये अप्रेंटिसशिप के लिए, और इसमें NCVT और SCVT आप यहाँ देख सकते हैं, NCVT और SCVT दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊँगा, क्या मिस्टेक है इसमें, तो वो आप वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, वो मैं वहाँ आखिरी में आपको बताऊंगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू है और ये आप 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है आवेदन की, 31 दिसंबर तक रात 11 बजे तक, आप 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो इसमें आपकी 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 25 वर्ष मैक्सिमम एज होनी चाहिए। SC ST OBC को नियमानुसार छूट का प्रावधान भी है। आगे से इसमें जो भी है आपकी जो साइट है स्त्री, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस साइट पर जा सकते हैं और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से क्लियर पता कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अप्रेंटिस इसका अप्लाई का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ हम बात करें अप्रेंटिस की, अप्रेंटिस में ये बीटेक वालों के लिए भी है, ये बीटेक वालों के लिए है और ये आपका डिप्लोमा वालों के लिए है। बीटेक वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके 4 सीट सामान्य के लिए हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट सामान्य के लिए हैं और इसमें 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, 4 हैं टोटल। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंजीनियरिंग के बाद होगी जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए ये वाला चार्ट है। डिप्लोमा वाले इसमें देखें सामान्य की 2 है और अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1। इसमें कोई भी ओबीसी का सीट नहीं दिया हुआ है डिग्री और डिप्लोमा में। अब आईटीआई वालों के लिए जो चार्ट है, आईटीआई वाले इस चार्ट से हिसाब से जाएंगे, ये आईटीआई वालों के लिए है। फिटर की हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये आईटीआई चार्ट वालों के लिए है। इसमें फिटर सामान्य 30 सीट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5, ओबीसी के लिए 10। टोटल बेल्डर में फिटर में 50 सीटें हैं, बेल्डर में टोटल 5, 15, 2, 3, ओबीसी में 5, टोटल 25 सीट बेल्डर में है। इलेक्ट्रीशियन में 30 सीट सामान्य में है, अनुसूचित जाति में 4 हैं, अनुसूचित जनजाति में 5, ओबीसी में 10, टोटल 50 इलेक्ट्रीशियन हैं। इसी तरह से बात करूँ तो मशीनिस्ट की 15 हैं और आपका सिविल की 10 हैं, वायरमैन की 10 हैं, टर्नर की 5 हैं, उपकरण यांत्रिकी में 10 हैं, डीजल मैकेनिक में बात करूं तो 15 हैं। इस तरह से टोटल 190 वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए हैं यहाँ पर, तो आईटीआई 190 वैकेंसी काफ़ी हैं, तो यहाँ आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें, आखिरी में मैं बताऊँगा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें जो आपको समझनी है वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अब यहाँ प्रशिक्षण पूरा नियम की शर्तें जो आपकी हुई हैं, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा संस्थान जो मान्यता प्राप्त है उससे होना चाहिए, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपकी आईटीआई किया हुआ है आपने तो आपका SCVT और NCVT जो मध्य प्रदेश से हैं, NCVT और SCVT वो किया हुआ, यानी राज्य सरकार की हो या NCVT हो, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आईटीआई सत्र वाले जो 2016, 17, 18 के अंदर उत्तीर्ण किया हुआ हो वही अपना अप्लाई करेंगे इसमें। और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 31/12/2018 है। 31/12 से पहले, 2018 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें उसमें स्टाइपेंड की हम बात करी जाए
तो जो बीटेक वाले हैं उनके लिए स्टाइपेंड है आपका 4984, और डिप्लोमा वाले के लिए 3542, और जो आईटी वालों के लिए है वो अर्धकुशल का यानी इस 3582 रुपए का 80% इनको भुगतान किया जाएगा। आप निकाल लीजिएगा 8232 का 80% निकाल के, तो ये आपको उसमें स्टाइपेंड के रूप में आईटी वालों को दिया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और इसमें जानकारी दे दूंगा। अभी आपका ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको वीडियो को मेरी को देखें, और इसका नोटिफिकेशन मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अप्लाई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके फ्रेंड।